राम। जब भी तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो एक काम किया करो कि एक काम ये किया करो कि एक काम मत किया करो। अब हम बताते हैं क्या ना किया करो क्या किया करो। देखो, जब भी तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो 75 चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश मत किया करो। मतलब कि तुम सबके मसीहा भी बनोगे, तुम्हें अपनी एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, सब कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें तुमसे नहीं होंगी और ना ही तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए। देखो, जब भी किसी भी बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए तुम जाओगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें एक स्ट्रेंथ चाहिए होगी, पावर चाहिए होगी, मतलब एक मोटिवेशन चाहिए होगा, इनर आग चाहिए होती है, ठीक है। और उस आग को तुम एक ही जगह लगाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ तुम 36 प्रॉब्लम सॉल्व करने मत बैठ जाया करो। मोहल्ले के झगड़े, घर के झगड़े, रिलेशनशिप, वो सब सारी दिक्कतें, ये सब एक साथ तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जब हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें चाहिए एक मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन। हमें एक चाहिए, एक वो जो आग होती है वो एक ही तरीके की आग होती है जिसको तुम चाहे जहाँ डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस आग को हमें सिर्फ इन्वेस्ट करना है अपनी पढ़ाई पे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी तुम एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो कोशिश ये किया करो आसपास की जितनी भी चीज़ें उनको डिलीट करो। आसपास की चीज़ों का मतलब ये है कि तुम्हारे बाकी के जितने भी नॉर्मल रूटीन वाले काम हैं उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम 36 चीज़ों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए देखा है तुमने, जब भी कोई यूपीएससी, हम यूपीएससी का उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि ये नौकरी तुम्हें बहुत कुछ तैयारी सिखा देती है, इसलिए हम एग्जाम्पल भी वही लेते हैं। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो लोग हमेशा, तुम देखना, अगर वो जॉब भी करते हैं तो वो जॉब भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे टारगेट करना है। अब वो जॉब करेंगे अगर तो वहाँ के कुछ काम होंगे वो करने होंगे उनको, उसका प्रेशर झेलेंगे, उस पर एनर्जी वेस्ट करेंगे, इसलिए वो एक साल के लिए ड्रॉप ले लेते हैं कहीं से भी, किसी भी जॉब से, उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम आज के टाइम पे, खासकर आज की बात हम कर रहे हैं 2023 की, कि आज के टाइम पे अगर तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और तुम मेहनत भी कर रहे हो तो तुम्हें यकीनन तुम्हें कहीं ना कहीं से सारी चीज़ों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तुम्हें सिर्फ एक दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, वो है जो तुम्हें करना है, जो भी जॉब की तुम्हें तैयारी करनी है। अगर तुम हर चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम हर चीज़ पे ध्यान दे जाओगे, यकीन मानो ना तुम भगवान हो ना तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हो जो तुम ऐसा कर पाओगे। और अगर ऐसे करने के चक्कर में रह गए तो तैयारी तो तुम्हारी कभी जीवन में नहीं हो पाएगी, ये हम लिख के दे सकते हैं। इसलिए जब भी तुम तैयारी करने बैठते हो तो कोशिश ये किया करो कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, और वो प्रॉब्लम क्या है, अभी के लिए सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना। इसके बाद जब एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो 36 का 36,000 दिक्कतें आएंगी, उनको सबको झेलना कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ एक ही टारगेट बनाओ, वो है नौकरी। उसके बीच में 100 दिक्कतें आएंगी, उनको सबको साइड करो, इमोशन आएंगे उनको साइड करो, जो भी दिक्कतें आती है सबको साइड करके एक एग्ज़ाम पे फोकस करो और 100 दिन बिना रुके उसी एग्ज़ाम पे, 100 दिन नहीं सॉरी 100 प्रॉब्लम्स को साइड करके सिर्फ एक प्रॉब्लम पे काम करना है और वो है नौकरी। 100 चीज़ों पे ध्यान अभी मत दो, जो हो रहा है होने दो, दुनिया में सब सही हो जाएगा। तुम्हारे कुछ करने से अभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है अभी, लेकिन एक बार जब तुम आते हो फिर तुम दुनिया बदलना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए खुद को बदलो और 100 दिक्कतों को छोड़ो, एक ही चीज़ पे काम करो। राम राम, जय हिंद।